क्वेश्चन नंबर 16 सॉरी 11 एक्सरसाइज एफ का, अमर द्वारा खेली गई 10 पारियों का औसत रन 54 है। अमर द्वारा खेली गई 10 पारियों का औसत कितना है? 54। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, अमर द्वारा खेली गई 10 पारी, ठीक है, 10 पारी का औसत रन, 10 पारी का औसत रन कितना बेटा? 54। 10 पारी खेला वो और 10 पारी का औसत कितना आया? 54। तब 10 पारी का कुल रन कितना होगा? 10 पारी का कुल रन होगा 54 × 10 540 रन। ठीक है, क्लियर इतना? बता रहा हूं, वीडियो हमारा ब्लर हो गया था। अमर द्वारा खेली गई 10 पारी का औसत रन कितना है? 54 रन। ठीक है, 10 पारी का औसत 54 है, तो 54 को अगर 10 से गुणा कर दो 10 पारी का कुल रन निकल जाएगा 540 रन। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोला है कि लास्ट वाला जो पारी था अंतिम पारी में 128 रन बनाया था। ठीक है, अंतिम पारी का रन कितना बेटा था? देखो, अंतिम पारी का रन कितना बेटा? 128 रन। अंतिम पारी कितना बनाया था? वो 128 रन बनाया था। ठीक है, फिर लिखे क्वेश्चन में, यदि अंतिम पारी में अमर ने शून्य बनाया होता, अगर अंतिम पारी में शून्य बनाया था तो ये लिखे होते, यदि अंतिम पारी में शून्य बनाया होता तो कुल रन, पहले कुल रन लिख लेते हैं। ठीक है, तो कुल रन कितना होगा बेटा? पहले 540 रन था, इसमें से 128 को हटाएंगे। क्या बोला है कि वो जीरो बनाया था, वो 128 रन बनाया था, वो 128 को हटा के जीरो लगा दो। अंतिम पारी में कितना बनाया? वो 128 रन बनाया, शतक बनाया है। ठीक है, अपनी टीम को मैच जिताया था वो 128 रन। अगर वो 128 रन नहीं बनाया होता, 128 को हटा दो और जीरो को लगा दो। मान के चलो आप मैच खेल रहे हो, अमर जो है 540 रन बनाया 54 के औसत से पूरे सीरीज में, लेकिन लास्ट मैच ना वो क्या हुआ, पानी में धुल गया। एक तरह से मान चलो ऐसा बोले, पानी में वो धुल गया है, उसको काउंट नहीं करना है, तो काउंट नहीं करना, तो 128 को हटा दिया, उसको जीरो डाल दो। अमर जीरो में आउट था, लेकिन वो आउट का वो चीटिंग हुआ, और चीटिंग वजह से क्या हुआ, 128 रन बना दिया। तो बोले अगर उसका 128 रन नहीं होता, उसकी जगह में जीरो था, जब जीरो में आउट हो गया था, जब चीटिंग की वजह से बच गया वो, तो अगर 128 को हटा देंगे और जीरो को जोड़ेंगे तो उसका एवरेज कितना होगा? 128 को हटा दिया और क्या चीज जोड़ेंगे? शून्य को जोड़ेंगे, तो कुल रन कितना होगा बेटा? कुल रन होगा 412 रन। 128 को हटा दिए, 128 की जगह में जीरो को जोड़ दिए। ठीक है, तो 10 पारी का कुल रन कितना है? 10 पारी का कुल रन 412 रन। ठीक है, 10 पारी का औसत रन कितना होगा बेटा? 10 पारी का औसत रन 400/12/10 41.2 रन, 41.2 रन। अतः अंतिम पारी में, क्वेश्चन में जो लिखा ना, अंतिम पारी में शून्य बनाया होता तो उसका औसत रन 41.2 रन होता, ऐसे लिख देना। ठीक है, यदि से जो लिखा उसको छाप देना। ये था क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट।